गुड मॉर्निंग सेकेंड क्लास, आई एम परवीन फ्रॉम हैप्पी कैम्ब्रिज स्कूल, योर इंग्लिश टीचर। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने इंग्लिश में द पोस्टमैन का ऐसे किया है। सभी बच्चों ने लिख लिया होगा उसे अपनी कॉपी में, साथ ही साथ उसे लर्न करने को भी दिया था। आई होप सभी ने किया होगा। चलिए, आज से हम लेसन 12 हमने महात्मा गांधी पहले शुरू कर चुके हैं, लेकिन ये हमारा कम्प्लीट नहीं हुआ था, तो एक बार मैं और इसे करवा रही हूँ। सभी बच्चों ने इसे ध्यान से समझना है, पढ़ना है। महात्मा गांधी से रिलेटेड मैंने आपको एक वीडियो भी सेंड की थी एक्टिविटीज डेज में, तो वो वीडियो सभी बच्चों ने देखी होगी। तो उस वीडियो को देखने से भी आपको कुछ आइडिया लगा होगा कि महात्मा गांधी कैसे थे, कौन थे, है ना, वो कैसी लाइफ जीते थे, पढ़ने के लिए कहाँ गए थे। अगर नहीं देखी, नहीं याद है, तो एक बार और आप उस वीडियो को देखो जो मैंने आपको महात्मा गांधी की वीडियो सेंड की है, ठीक है। ये चैप्टर हमने ये यहाँ से यहाँ तक पढ़ा हुआ था। इसमें हमने पढ़ा था कि महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था, जो गुजरात में है, ठीक है। और वो परेशान हो जाया करते थे अंग्रेज़ों के जुल्म को देखकर। गांधी जी परेशान हो जाते थे जब भारतीयों पर, हिंदुस्तान के जो देशवासी हैं उन लोगों पे जब अंग्रेज सरकार उनको तंग करती थी, तो ये देख के गांधी जी परेशान हो जाया करते थे, क्योंकि उस समय हमारे देश में अंग्रेज़ों का राज था, है ना, ठीक है। और गांधी जी बड़ी कॉमन लाइफ जीते थे, साधारण जीवन जिया करते थे वो। ये लग्जरीज मतलब बहुत महंगी महंगी चीज़ें, बहुत महंगे महंगे कपड़े, महंगे महंगे खान पान, इन सबसे दूर रहा करते थे। उनका कहना था कि जितनी ज़रूरत है हमें, ठीक है, हमारा जीवित रहने के लिए, हमारे पढ़ने लिखने के लिए जितनी ज़रूरत है हमें, हमें उतने का ही, उतना ही हमें रखना चाहिए, ठीक है। और वो अपनी पढ़ाई करने के लिए उनको वकील बनना था, ठीक है, तो वो उसके लिए वो कहाँ गए थे, इंग्लैंड से उन्होंने अपनी पढ़ाई करी थी, ठीक है, अपनी कानून की पढ़ाई उन्होंने इंग्लैंड से की थी, और इंग्लैंड से वो वकील बनकर लौटे थे। जब वो इंग्लैंड में रहा करते थे तो उस समय तो वो वहाँ की पार्टीज वगैरह में भी जाते थे और इंग्लिश ड्रेसेस भी पहना करते थे इस तरह के, यानी जैसे अंग्रेज सूट बूट पहनते ना, हैट टाई वगैरह सब पहनते, वो इस तरह का पहनते थे, ठीक है। उसके बाद वो फिर भारत में आ गए, वापस इंडिया में आ गए। तो चलिए, अब आज से मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, सबने ध्यान से देखना है। बच्चों, देयर वॉज अ ट्रेमेंडियस चेंजेस इन द पर्सनैलिटी ऑफ हिज मैन। किसके बारे में बात हो रही है बेटा? गांधी जी के बारे में बात हो रही है, महात्मा गांधी जी के बारे में बात हो रही है। कि दोबारा देखो, बट सून देयर वॉज अ ट्रेमेंडियस चेंजेस इन द पर्सनैलिटी ऑफ दिस मैन। लेकिन जल्दी ही, सून मीन्स बट मीन्स लेकिन, एंड सून मीन्स जल्दी, जल्दी ही, ट्रेमेंडियस होता है TREMENDOUS, ट्रेमेंडियस मीन्स बहुत ही आश्चर्यजनक, हैरान कर देने वाला, चेंज बदलाव, इन द पर्सनैलिटी PERSONALITY, पर्सनैलिटी यानी उनका व्यक्तित्व, ऑफ ही दिस मैन, लेकिन बहुत जल्दी ही आश्चर्यजनक, हैरान कर देने वाले बदलाव उनके पर्सनैलिटी में हुए। मतलब जो उनका एकदम से बदलाव चेंज हो गया, जब वो वहाँ इंग्लैंड में रहते थे तो वहाँ पे वो सूट बूट भी पहनते थे, लेकिन जब वो भारत में आए तो उनका अचानक से हैरान कर देने वाला बदलाव उनके अंदर आया। एज ही नाउ बिलीव्ड, BELIEVED, बिलीव्ड, विश्वास, मोर इन सिंपल, SIMPLE, सिंपल, LIVING, लिविंग, एंड HIGH, हाई, THINKING, थिंकिंग। एज ही नाउ बिलीव्ड मोर इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। अब उन्हें विश्वास होने लगा कि हमें सिंपल लिविंग यानी साधारण जीवन रखने चाहिए, एंड हाई थिंकिंग और उच्च विचार रखने चाहिए। सिंपल लिविंग मतलब
ज़्यादा हमें दिखावे वाले कपड़े नहीं पहनने हैं, ज़्यादा हमें दिखावा नहीं करना है, अपने जैसे हैं हम हैं, हमें उस तरह की लाइफ जीनी चाहिए, सिंपल लिविंग होनी चाहिए। एंड हाँ, लेकिन हमारे विचार जो है ना, यानी जो हमारे कर्म हैं, जो हम काम करें, वो उच्च विचार के होने चाहिए। और हमारी जो सोच है, थिंकिंग होता है सोच, यानी जो हम सोचें, अच्छा सोचें, हाई थिंकिंग यानी अच्छा सोचें, बहुत ऊंचा सोचें, अच्छा सोचें, अच्छे विचार लाएं अपने दिमाग में, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। वो इस पर विश्वास करने लगे थे। एंड दिस इज हाउ द मोस्ट अनकॉमन ऑफ ऑल कॉमेंसेस द महात्मा वॉज बॉर्न। एंड दिस इज हाउ द मोस्ट MOST मोस्ट UNCOMMON अनकॉमन असाधारण ऑफ ऑल कॉमनर्स COMMONERS कॉमनर्स साधारण द महात्मा MAHATMA महात्मा वॉज BORN बॉर्न एंड दिस इज हाउ द मोस्ट अनकॉमन ऑफ ऑल कॉमनर्स द महात्मा वॉज बॉर्न। और यही जो उनकी ये जो थिंकिंग थी ना कि हमें साधारण जीवन जीना है, ऊँचे विचार रखने हैं, इन्हीं सब चीज़ों ने उस साधारण व्यक्ति को अनसाधारण बना दिया। अनसाधारण यानी अनकॉमन, कॉमन होता है साधारण, ठीक है, जो कई एक जैसा कई जगह कई हो, ठीक है, लेकिन असाधारण मतलब जिसका जैसा कोई ना हो, अनकॉमन बना दिया। और फिर उनको क्या नाम दिया गया, महात्मा। नाम तो इनका मोहनदास करमचंद गांधी था ना, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, महात्मा गांधी। नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, लेकिन हम महात्मा गांधी पढ़ रहे हैं, यानी उनको महात्मा बना दिया। महात्मा का होता है महाआत्मा, यानी ऊँची आत्मा, जिसकी जो बहुत बड़ा अच्छे विचार वाला हो, एक भगवान की तरह माना जाता है, उच्च विचार वाला, जिसमें अच्छी आत्मा हो, ठीक है, तो उसको बोला जाता है महात्मा। तो इन साधारण गांधी जी को क्या बना दिया, महात्मा बोलने लगे सभी, और उनका नाम महात्मा गांधी पड़ गया, महात्मा वॉज बॉर्न, ठीक है। देयर आर मैनी स्टोरीज STORIES स्टोरीज, स्टोरीज मीन्स कहानियाँ, ऐसी कई कहानियाँ हैं रिलेटेड टू हिज लाइफ, RELATED रिलेटेड महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी हुई, एंड डीड्स विच आर नॉट ओनली इंटरेस्टिंग, जो सिर्फ मनोरंजक नहीं है, ब्यूटी बट लेकिन विच लीव अ लास्टिंग इम्प्रेशन, WINTERESTING इंटरेस्टिंग, जो सिर्फ रोचक या कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, कैसी है वो, LEAVE लीव छोड़ देती हैं, ALASTING लास्टिंग, IMPRESSION इम्प्रेशन, वो जो एक ऐसी छाप छोड़ देती है, एक उनके जो कहानियाँ हैं ना, जब उन कहानियों को हम पढ़ते हैं या उनसे जब हम सीखते हैं, तो वो हमारे जीवन में कुछ इस तरह की सोच छोड़ देती है, एक छाप छोड़ देती है, ठीक है, जिससे हम बहुत प्रभावित होते हैं, ऑन द माइंड्स, जो हमारे दिमागों में छा जाती है कि हाँ सच में हमें ऐसा करना चाहिए, ठीक है। माइंड्स होता है दिमाग, MINDS माइंड्स, ऑफ ऑल दोज हु हैव हियर्ड देम, किन के ऊपर छोड़ देती हैं, उन सभी पर, हु हैव हियर्ड देम, जिन्होंने महात्मा गांधी को सुना है, जो महात्मा गांधी की कहानी को सुनते हैं, ठीक है, या जिन्होंने उनके वाक्यों को सुना है, उनके शब्दों को सुना है, तो उनके दिमागों पर महात्मा गांधी की कहानियाँ या उनके कहे हुए शब्द एक ऐसी छाप छोड़ देते हैं जो कभी मिट नहीं सकती। लॉन्ग अगो, पुराने समय की बात है, देयर वर 3 क्लासेस इन द ट्रेन्स इन इंडिया, उस समय जब भारत की जो ट्रेन्स हुआ करती थी ना, रेलगाड़ियाँ हुआ करती थी, उसमें 3 क्लास होते थे, ठीक है, 3 तरह की क्लास होती थी, कैसी, फर्स्ट FIRST फर्स्ट, SECOND सेकेंड, एंड थर्ड TRD थर्ड, यानी उसमें एक तो
फर्स्ट क्लास की सीटें होती थी, सेकंड क्लास की सीटें होती थी और थर्ड क्लास की सीटें होती थी। अब बेटा ये इसका मतलब क्या है, फर्स्ट क्लास होता था ना उसमें बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं, ठीक है, अकेले ट्रैवल करते हैं, उसमें कर्टेंस लगे होते हैं, अलग से बेंचेस, हाई हाई बेंचेस वगैरह लगे होते हैं, तो वो फर्स्ट क्लास का हो जाता है। सेकंड क्लास का जो होगा वो उससे थोड़ा लो होगा, ठीक है, उसमें एक साथ कई जने बैठ सकते हैं लेकिन उसमें ज़्यादा भीड़ नहीं होगी। लेकिन जो थर्ड क्लास का डब्बा होगा वो कैसा होता है, वो बहुत भरा हुआ खचखच, उसमें ज़्यादा सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, उसकी सीट वगैरह भी थोड़ी मतलब मामूली सीटें हुआ करती थी। गांधी जी ऑलवेज ALWAYS ऑलवेज हमेशा TRAVELED ट्रैवल यात्रा करते थे इन थर्ड क्लास। तो गांधी जी जो थे ना वो सिर्फ हमेशा कौन से उसमें करते थे, वो थर्ड क्लास वाले में, ठीक है, क्योंकि उनको ज़्यादा लग्जरीज वगैरह की पसंद नहीं थी ना, ज़्यादा दिखावा पसंद नहीं था, तो इसलिए वो तो हमेशा थर्ड क्लास में ही ट्रैवल किया करते थे, ठीक है। तो बच्चों हमने ये चैप्टर यहाँ तक पढ़ा है, सभी ने इसको पढ़ना है, इसका नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे हम कल की क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कंटिन्यू करेंगे, लाइव क्लासेस सभी ने लेनी है। बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे।